कोरोना के नए वेरिएंट से घबराया शेयर मार्केट, सेंसेक्स करीब 1300 अंक नीचे लुढ़का, निफ्टी ने भी लगाया 400 अंक का गोता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मिलेंगे लाठीचार्ज में घायल छात्रों से, प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचेंगे कमलनाथ। राजाभोज एयरपोर्ट पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में होंगे शामिल, भोपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की कही बात। मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने मंत्री के बयान को बताया गलत, बिसाहूलाल ने व्यापारियों के आंदोलन को बताया था राजनीतिक। और बदनावर में टीकाकरण महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन, हाट बाजार में लोगों को पकड़कर लगाई वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग कामला रहा सक्रिय। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजाभोज एयरपोर्ट पहुंचे, सिंधिया मिंटो हॉल में होने वाली कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे। वहीं राजाभोज एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी, साथ ही एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक स्वागत के लिए मौजूद रहे। बैठक के बाद सिंधिया इंदौर के लिए रवाना होंगे। कार्यसमिति की आज पहली बैठक है और मुझे इस बात का खुशी भी है और सौभाग्य भी है, समिति में कार्यसमिति में भाग लेने का मौका। गुरुवार को हुए छात्रों के साथ लाठीचार्ज मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घायल छात्रों से मिलेंगे, जिसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस के ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आज दोपहर 12:30 बजे पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में घायल NSUI के सचिव अभिमन्यु तिवारी का स्वागत जानने आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचेंगे। साथ ही ट्वीट में लिखा है कि जोर जुल्म से टकराएंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर SDM वीरेंद्र कटारे के निर्देशन में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ ही ग्राम पंचायत राजस्व विभाग का अमला भी सक्रिय रहा। नगर के साप्ताहिक हाट बाजार में भी अलग अलग जगह CMO आशा जितेंद्र भंडारी एवं मंत्री प्रतिनिधि शेखर यादव की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्य किया गया, जहाँ हाट बाजार में लोगों को पकड़ कर वैक्सीन लगाई गई। भोपाल के प्लेटिनियम प्लाजा में पैरामेडिकल छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी का आरोप लगाया है कि जो जनरल प्रमोशन देने की बात की गई थी, जो कि नहीं दिया गया है। साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालयों को अनियमितताओं को लेकर भी शिकायत की है, विरोध कर रहे हैं कि छात्रों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी मांग ये है कि हमें प्रमोशन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, ये इन्होंने दे दिया। अब ये आप देखें, मंत्रियों को भी दे देंगे प्रमोशन चाहिए, और ये हमारा इच्छा मृत्यु का है। हम 2500 स्टूडेंट भोपाल में सारे मंत्रियों के सामने सिविल लाइन में खड़े होके और अपनी आपको इच्छा मृत्यु को प्रदान करेंगे, फिर वो चाहे पेट्रोल डाल के करें, चाहे फिर किसी भी तरीके से करें, हम मरने के लिए तैयार है, नहीं तो हमें जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। ठीकरी विकास खंड के ब्राह्मण गांव से हर दिन सैकड़ों परिक्रमावासी नर्मदा परिक्रमा से गुजर रहे हैं, जिसको देखते हुए नगरवासियों ने परिक्रमावासियों के लिए भोजन व रात्रि विश्राम को लेकर ब्राह्मण गांव नर्मदा तट पर भोजन व रात्रि विश्राम के लिए टीन शेड लगवाकर भोजन की व्यवस्था की है। अन्य क्षेत्र समिति के सदस्यों ने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व नर्मदा तट पर ठहरने की व्यवस्था न होने से परिक्रमावासियों ने अपना रूट बदल दिया था, जिससे नगर में परिक्रमावासी नहीं पहुंच रहे थे, जिसको देखते हुए समिति ने यह भोजन और विश्राम की व्यवस्था कराई है। और ब्राह्मण गांव में अमोशाय कन्या भोज समिति द्वारा परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है,
ब्राह्मण गांव में प्रतिदिन 150 से 200 परिक्रमावासी आ रहे हैं। उनकी अमोशाय कन्या भोज समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था सुबह और शाम की जा रही है और क्षेत्रवासियों के तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है और अन्य क्षेत्र ऐसा ही निरंतर चलता रहेगा आगे भी जब तक परिक्रमावासी ब्राह्मण गांव में आते रहें। बैरसिया क्षेत्र के ग्राम उंदरई के होनहार युवा मंगलेश्वर गुर्जर को पिछले दिनों भोपाल शहर के कैपिटल मॉल में ओवरऑल पर्सनालिटी का अवार्ड मिला है। वहीं अवार्ड उनकी बहुमुखी प्रतिमा के लिए दिया गया है। यह अवार्ड उनकी डांसिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग की प्रतिमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया गया। आयोजन कैपिटल मॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में ऑडिशन के बाद यह फाइनल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहर की कई प्रतिभाएं मौजूद रहीं। इतना अनुभव भरा हुआ है, हालांकि शुरुआत है लेकिन शौक बहुत है और आगे बढ़ेगा, हम सबकी दुआएं हैं साथ में। और मंगलेश को मेरी बॉडी एंड सोल वेलनेस योगा और एमपी गॉड टैलेंट की तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू। मैं एक छोटे से गांव ग्राम उंदरई से आता हूं, लेकिन मैंने अपनी कड़ी मेहनत और मेरे गुरु श्री माथुर जी की सपोर्ट से और मेरे बड़े भैया मिस्टर कमल गुर्जर की सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। मैंने बॉम्बे में भी एक मूवी में काम किया है, जिसमें सावर अली, मुकेश खन्ना जी, आलोक नाथ जी, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके साथ भी एक फिल्म में काम किया। उस मूवी का नाम है मैं भी मी टू। और मैं आगे बॉम्बे भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बीच में आ गया था बॉम्बे से रिटर्न होके, क्योंकि मेरे फादर की किडनियाँ ख़राब हो गई थी इस कारण से। अब मैं रिटर्न जाऊँगा और अपनी मेहनत करूँगा और मेरे गांव का नाम रोशन करूँगा, यही मेरी सबसे कामना। और सभी भाइयों जिन्होंने मेरा थोड़ा सा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सभी पे सपोर्ट किया है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। आप पब्लिक का सपोर्ट है तो हर कोई हीरो है। थैंक यू एवरीवन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी, जिसे लेकर पीताम्बरा बांग्ला मुखी मंदिर में संत पुजारियों ने पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान बिरसा मुंडा को भगवान की संज्ञा देने पर संत समाज ने घोर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुंडा जी को भगवान बोलना आदिवासी बंधुओं को भ्रमित करना होगा। इसे लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर सनातन धर्म के उपहास करने पर प्रतिबंध एवं विलोचित करने की मांग की जाएगी। इस विषय को लेकर के भोपाल के संत पुजारी और धर्म प्रेमी लोग एक ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख, उनको भी एक ज्ञापन पत्र प्रेषित करेंगे। और हम आशा करेंगे, आशा है, अपेक्षा रखेंगे कि निश्चित इसका कोई निदान अवश्य होगा, संतोषजनक उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का विषय है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुजालपुर में आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के बाहर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर चौराहे पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने का वादा किया था, जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। वहीं बेरोजगारी के संबंध में ज्ञापन देने आए आदिवासी समाज के युवाओं से मुख्यमंत्री नहीं मिले, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश देखा गया। नहीं कुछ भी हो जाए, हम समाज को दे देंगे वोट, बगैर दो की सरकार को वोट नहीं देंगे। अरे क्या हुआ, क्या क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ? हम शिवराज सिंह चौहान से यही चाहते हैं कि हम आदिवासी का साथ दो, जो हम आवेदन में लिखवा के लाए वो हमारा हमारे को दिए। तो अभी आपका आवेदन नहीं लिया क्या? चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पूजा सामग्री के विक्रय पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार धार्मिक स्थलों पर ऐसी निषेधाज्ञा लागू की गई है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए गुप्ता ने कहा कि वैसे तो बीजेपी धर्म और संस्कृति की रक्षा के ठेकेदार बनती है, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालु को ठेस पहुंचा रही है।
वहीं इस फैसले को लेकर गुप्ता ने तत्काल वापस लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब धार्मिक स्थानों पर अगरबत्ती बेचने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नारियल बेचने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, गैस की टंकी रखने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जो है कामतानाथ जी के दर्शन करने चित्रकूट में लाखों लोग जो पहुंचते हैं, अगर वहाँ गैस की टंकी नहीं होगी तो क्या जो है वो जो ये चूल्हे पे खाना पकेगा क्या? कैसे लोगों को जो है भोजन वहाँ की व्यवस्था हो सकेगी? अगर वहाँ अगरबत्ती नहीं बिकेगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो कामतानाथ जी के चरणों में कैसे आरती करेंगे लोग? कैसे नारियल चढ़ाएंगे? उनकी श्रद्धा का इससे बड़ा कोई शोषण नहीं हो सकता। और ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं किया, ऐसा तो जो है गुलामी के दिनों में भी नहीं हुआ, जो आज़ाद भारत में मध्य प्रदेश की सरकार हिंदुओं के साथ ये व्यवहार कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन अधिकारियों ने इस तरह के आदेश निकाले, तत्काल ऐसे आदेश वापस लिए जाने चाहिए और इन अधिकारियों पर जो है एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। जय आदिवासी युवा संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए एक युवा कमलेश्वर पर की गई बदर की कार्रवाई का विरोध जताया। वहीं कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर फैसला वापस लेने के साथ उसे सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की। जैसे सदस्य केशुराम निनाना ने कहा कि कमलेश्वर पर जिला बदर की कार्रवाई मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी गलत है, क्योंकि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। हमारे कमलेश और डोडिया सर के साथ जो सुरक्षा का दिया हुआ एक जवान साथी उनको आदिवासी समाज सा आदिवासी पूरा समाज उग्र आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? समाज को जगाना कोई गलत है क्या? श्रीमान जी आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द जिला बदर की जो कार्रवाई है उसको बंद किया जाए। और हमारे आज जो एक गरीबियों के मसीहा जो कि कमलेश्वर डोडियार जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर जिला बदल यानी कि 5 जिलों से बाहर करने का आदेश जो कलेक्टर साहब ने निकाला था, जो जिला बदल को हम उसको खुलकर विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा एवं गरीब आदमी जो उसको समस्या को लेकर रात दिन एक करके समाज के बीच में समाज को जगाने की काम कर रहा है, उसको किसी पॉलिटिक्स या फिर किसी और अन्य दबाव के कारण उसको जिला बदल यानी कि जिले से बाहर करने की साजिश की जा रही है। उसका आदिवासी परिवार एवं जयस खुलकर आंदोलन करता है और कुछ ही समय का श्रीमान जी को हमने निवेदन दिया है, अगर 8-10 दिन के अंदर यानी कि अभी ही जिला बदल की कार्रवाई बंद नहीं होती है तो आदिवासी परिवार उग्र आंदोलन करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर पहुंचकर ऊर्जा साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने 1500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क आगर, शाहजहांपुर और नीमच के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। वहीं कार्यक्रम में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ शाहजहांपुर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित क्षेत्रीय विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा दी गई। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण और कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश में अब गृह मंत्री नृत्य मिश्रा ने प्रशासन को अमेजन पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री ने इसे पूरी तरह गलत बताया और साथ ही कमर्शियल वेबसाइट्स पर कुछ नियम और प्रतिबंध लागू करने की नीति तक लाने की बात कही। इस मामले में पुलिस प्रशासन से अमेजन अधिकारियों को नोटिस देकर थाने बुलाने के आदेश दिए, वहीं उपस्थित न होने पर अपने तरीके से बुलाने की बात भी कही। बता दें अमेजन पर गांजा और बम बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उपलब्ध होने के चलते लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। मैंने आज उस जहर मांगने वाली घटना को इंदौर के अंदर जो हुई है उस पर उनसे कहा है कि अमेजन पर केस रजिस्टर्ड करें और जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं, लेकिन
स्थिति साफ होना चाहिए। अमेजन के लोग अवैध कंपनी जिसका कोई GST नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये गंभीरता से हमने इसको मध्य प्रदेश में लिया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। बीजेपी नेता जयवंत सिंह पवैया ने ट्वीट कर श्रीराम संकीर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्टंट के लिए कृपया राम जी या श्रीराम संकीर्तन का उपयोग करने का पाप ना कीजिए, प्रोपेगेंडा के लिए कुछ और तरीके भी इजाद कर लीजिए। भोपाल में इस पवित्र संकीर्तन को ढाल बनाकर जो कुछ हो रहा है उससे एक हिंदू होने के नाते मेरा मन तो क्षुब्ध है। राजसिंहगढ़ जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्राम कटिया खेड़ी में दबिश देकर लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। कलेक्टर हर्ष दीक्षित और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को जिले के 6 थानों में पुलिस बल के साथ इसमें सफलता मिली है। कार्रवाई के दौरान करीब 40 लाख रुपए की 52,000 लीटर महुआ लखान को भी नष्ट किया गया है। अवैध रूप से बनी दुकानों में तलाशी लेकर करीब 1200 लीटर हाथ भट्टी, कच्ची शराब और 6 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। साथ ही हाईवे किनारे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। आठ थानों की पुलिस ने कटारिया खेड़ गांव में दबिश दी है, जहां 8 भट्टियां जो शराब बनाने की होती हैं उनको नष्ट किया गया है। इसमें करीबन 40,000 किलो लहान के आसपास आबकारी विभाग ने नष्ट किया है और कुछ दुकानों से करीबन 3 दुकानें हैं, इसमें कुछ शराब अंग्रेजी और कच्ची ये दोनों बरामद हुई थी। इसमें करीबन 1280 लीटर के आसपास की शराब बरामद हुई है। टोटल मशरूका की कीमत ऑलमोस्ट 50 लाख है। इसमें 7 लोगों के विरुद्ध अभी प्रकरण अलग अलग धाराओं में दर्ज किए जा रहे हैं और इनकी तलाश की जा रही है। कांग्रेस की जनजागरण जनसंवाद पदयात्रा रैली सीहोर से नसरुल्लागंज पहुंची, जिसकी दुर्गा मंदिर चौराहे पर सभा हुई, जिसमें सभी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील का घेराव कर अपने नेता अर्जुन आर्य की रिहाई की मांग की गई। प्रदर्शन में पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि बुधनी विधानसभा गुंडों का राज बन गया है, जहां सरासर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर झूठी FIR से अवगत कराया। बुधनी उथुल्लागंज में जितने अपराध हो रहे हैं, क्या सभी अपराधों को संज्ञान में लेकर ऐसी कार्रवाई करनी है? अगर ऐसा ही संज्ञान में लेकर वो कार्रवाई करें तो मैं इस प्रशासन को, शिवराज सिंह जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने सक्षम में और इतनी पैनी नज़र रखे हुए हैं कि हर एक छोटी मोटी घटना पर आप संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस मामले में एक बार FIR हो गई, कोर्ट ने जिसको सजा दे दी, उसी व्यक्ति को दूसरी बार 151 की धारा लगाना कहां तक उचित है ये फैसला आपको भी करना है, क्योंकि आज अर्जुन आर्य के ऊपर नहीं हुआ, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता के ऊपर नहीं हुआ, ये बुधनी नसुल्लागंज जनता के एक एक व्यक्ति के ऊपर हुआ, आपके ऊपर हुआ, हमारे ऊपर हुआ है। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि कब किसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। आज इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां लोग परेशान हो रहे हैं वो वहां की जनता परेशान है, वो बच्चियां निकल नहीं पा रही है, जनता निकल नहीं पा रही है, महिलाएं निकल नहीं पा रही है, आम आदमी नाक बंद करके और मुंह छुपा के निकल रहा है वहाँ से कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर लोगों को लालच दिया जा रहा है और देखते हैं कि जो सरकार ने घोषणा की है वो केवल एक भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गौवंश पर्यावरण समिति के संरक्षक प्रभारी गौतम वैष्णव ने डिमावर में शक्तिपुंज आश्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पतन हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना रही है और इसे हमारी युवा पीढ़ी को बचाना होगा वही गाय को लेकर वैष्णव ने कहा कि हमें गोवंश की रक्षा कर उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम में कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया गया। भोपाल में NSUI कार्यकर्ताओं ने CM हाउस पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के NSUI कार्यकर्ता शामिल हुए। ANSI ने कई शिक्षा नीति और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। NSUI शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स फेंक दिए, साथ ही पथराव भी किया।
जवाब में पुलिस ने भी कार्यकर्ताओं पर हल्के बल का प्रयोग किया। वहीं पुलिस ने विधायक कुणाल चौधरी, नीरज कुंदन और मंजूल त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल स्पष्ट है, इस प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से नेत्रा तो पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ बेरोजगार प्रयोग का प्रदेश बना दिया है, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, आज उसके उपलक्ष्य में पूरी ताकत के साथ हम पूरे कर रहे हैं। भाजपा के लोग हैं जो इस तरीके की अहिंसा को बढ़ाते हैं, ये हमारे 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 प्रदर्शन को खराब करने की प्रयास किया जाता है, परंतु ये जो तानाशाही की सरकार है, जो सत्ता के नशे में चूर है, भाजपा की सरकार जब से केंद्र में और प्रदेश में आई है तब से निजीकरण जो को है वो बढ़ाया जा रहा है। छात्रवृत्ति 2 सालों से छात्रों की बंद पड़ी है, ये चाहते ही नहीं है कि छात्र जो है वो शिक्षित हो और शिक्षित होके इस सरकार से जो है प्रश्न कर। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एनएसयूआई के सीएम हाउस घेराव पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के पास युवाओं का कोई समर्थन नहीं है, केवल बुजुर्ग नेता पहुंचेंगे और फोटो खिंचाकर घर वापस लौट जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव पर भी बयान दिया, कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए थे, लंबे समय से रुके पंचायत चुनाव होने चाहिए। वहीं परिसीमन में भी कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ी बताई, जिसे अब शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया है। काफी गड़बड़ियां की थी कांग्रेस ने, अनेक पंचायतों को खत्म कर दिया था, अनेक नई पंचायतें बना दी थी, कांग्रेस के नेताओं की सुविधा के हिसाब से पंचायतों का परिसीमन किया था, इसलिए हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो 2014 की स्थिति थी उस स्थिति को हम लोगों ने एज इट रखा, उसमें हम लोग कोई परिसीमन नहीं कर रहे, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? पंचायत का चुनाव है तो उसमें जो लोग लड़ेंगे वो लड़ेंगे, इसमें उनको क्यों दिक्कत? पंचायत चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को इसमें क्यों आपत्ति है? पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी तो कोरोना बस चुनाव नहीं हो पाए थे, अब परिस्थितियां पहले से ठीक हैं और इसलिए पंचायत चुनाव हो चाहे नगरी निकाय चुनाव हो, ये सब होना चाहिए। सर, परिसीमन को लेकर आपत्ति है, महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ एनएसयूआई कह रही है कि शिक्षा के मामले में भी जो है सरकार भेदभाव कर रही है, तमाम मुद्दों को लेकर आज घेराव कर रही है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव है सर आज। देखिए, एनएसयूआई का घेराव हो चाहे यूथ कांग्रेस का घेराव हो, उनके पास कोई यूथ का समर्थन तो है नहीं है। यूथ कांग्रेस के नाम पे या एनएसयूआई के नाम पे जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं वो पहुंच जाएंगे और फोटो खिंचा के चले जाएंगे। ठीक सर, जो बैठक हो रही है मानव को लेकर चर्चा हो रही है सर, किस तरह से आम चुनाव की तैयारी सर? देखिए, निश्चित रूप से आम चुनाव की भी तैयारी है और इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी लगातार 2 दिन बैठकें ले रहे हैं। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पातालपानी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी टंट्या भील के बलिदान दिवस 4 दिसंबर पर आयोजित होने वाले स्मृति समारोह को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने 4 दिसंबर को होने वाले स्मृति समारोह में बेहतर तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। पाताल पानी पर जो टंट्या मामा भील जी का कार्यक्रम है उसके निमित्त बैठक थी। आज जबलपुर से उस स्थान से जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उस पवित्र माटी को लेकर वहां के प्रभारी मंत्री जी आने वाले हैं और उसके बाद में हमारे यहां के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अनूपपुर की उपतहसील फुनगा में सर्वजन सुखाय समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें मंत्री बिसाहूलाल सिंह शामिल हुए और उनके बोल बिगड़ गए, जहां उन्होंने नारी जितने बड़े बड़े लोग ठाकुर ठकान और कुछ और बड़े लोग
वो अपन घर के अंकल कोठरी में बंद कर दे थे, बाहर निकलने के निकल गए थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव के महिला कर रखे, यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए, और जितने बड़े बड़े ठाकुर आकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर न निकले तो पकड़ पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी ना ये महिलाएं आगे बढ़ी। कांटाफोड़ में कई गांवों के किसान एक साथ विद्युत वितरण केंद्र पहुंचे, जहां केंद्र प्रभारी डीएस परिहार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने व बिजली कटौती से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि बिजली बंद रहने से सभी बेहद परेशान हैं, खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने निरंतर 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है, साथ ही अगले 2 दिन में व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज अपने जो सिंगोड़ी, गोधना, कांडला, भैरू चौवा इस सेक्टर के किसानों द्वारा कम वोल्टेज की समस्या से लेकर यहाँ पे मुझे अवगत कराया है और कार्यपालन मंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। और मौके पे भी जाके मेरे द्वारा कुछ जगह पे जहाँ ज़्यादा समस्या आ रही है उसको चेक भी करके मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, और इसमें संभवतः कल से जो शिफ्ट आनी है उसमें सुधार के मुझे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी निर्देश और आश्वासन दिया है। इसमें कल तक की जहां तक मुझे संभावना लग रही है कल से वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जाएगा। मैहर थाना के अंतर्गत जीतनगर पुलिया में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सड़क हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन मैहर से निकलते ही उसके भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और कार को लगभग 20 मीटर तक घसीटा। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। निवाड़ी जिले में खाद को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वर्तमान समय में डीएपी खाद न मिलने को लेकर किसान काफी परेशान हैं, जिसके चलते वे आए दिन प्रशासन के खिलाफ चक्काजाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं देर रात कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से 4 अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1000 बोरी खाद की जब्त की है। कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदार मौके से भाग गए। कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले ने दुकानों को सील कर दिया। वहीं कलेक्टर का कहना है कि काले कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो यूरिया को लेके विभिन्न प्रकार की शिकायत हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग इत्यादि की, उसको लेके आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें गुप्ता परिवार हैं और एक जोशी जी हैं, उनके वहाँ पे हम लोगों ने कुछ 1000 बोरी जो यूरिया और डीएपी जो है जब्त करने की कार्रवाई की। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई मिस्टर गुप्ता जी का मकान है, ये भागे हुए हैं और इनके पास अभी तक के कोई लाइसेंस इत्यादि भी नहीं है, तो ये जांच का विषय है। हम लोग एसपी साहब के मार्गदर्शन में और हमारे एसडीएम साहब, टीआई साहब, ये सब लगे हुए हैं और हम इसमें जांच करेंगे कि इनके पास कैसे आई थी। कुछ ये बात भी हमारे सामने आई है कि कुछ लोग जो कैश काउंटर से लेके इनको भेज देते थे, ऐसे भी लोगों की हम जांच करेंगे और ऐसे लोगों को भी हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। इस संबंध में एसपी साहब और हम अडिग है और कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या सर, कितने लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जो मिले हैं, कुल चार स्थान हैं जो आपने देखे हैं। इन 4 स्थानों पे अलग अलग हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी है और चारों स्थान के जो मालिक होंगे उनके विरुद्ध, उनके लिए और उनके जो मकान मालिक हैं उनके विरुद्ध, और साथ में जो इस धंधे में लगे हुए थे, जो लाइसेंसी हो तो भी और गैर लाइसेंसी, तो भी लाइसेंसी हो तो हम ये देखेंगे कि उनके पास कैसे आया, और गैर लाइसेंसी जैसा यहाँ पे देखा आपने 800 लगभग बोरियाँ हैं,
तो इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे और जो इनके साथ जुड़े हुए उन लोगों को भी करेंगे। सर लगातार किसान परेशान हो रहा है और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए आप लोगों को विदित है कि गत वर्ष से डबल मात्रा में इस बार हम लोगों ने DAP बांटा है, DAP वितरित किया है। जितनी भी सरकारी सोसाइटी है वहाँ 100% उनके जो खातेदार हैं उनको हम लोगों ने DAP उपलब्ध कराया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।